एक गांव में एक परिवार रहता था जो बकरी पालन का काम करते थे, जिसमें सास शारदा, बहू अनामिका और बेटा रमेश था। वो रोज सुबह अपनी बकरियों को चराने जंगल में जाते थे। एक दिन जंगल जाते वक्त वो सुनते हैं जहां कुछ औरतें आपस में बात कर रही होती है। सुना है क्या तुमने बहन, हमारे राजा साहब के साले साहब पहली बार हमारी रियासत में पधार रहे हैं। पहली महिला की बातें सुनकर दूसरी महिला कहने लगती है, हाँ सुना है बहन, और उनके आगमन के लिए एक भव्य आयोजन भी किया जा रहा है। तभी तीसरी महिला कहने लगती है, हाँ ठीक कह रही हो तुम दोनों। फिर पहली महिला कहने लगती है, वैसे आ कब रहे हैं राजा जी के साले साहब? ये सुनकर दूसरी महिला कहती है, परसों। उसके बाद वो औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं। ऐसे ही दो दिन गुजर जाते हैं। एक दिन हर रोज की तरह जब शारदा का परिवार अपनी बकरियों को चराने जंगल जा रहे थे, तभी वो देखते हैं एक आदमी अपनी गाड़ी से उनके तरफ आ रहा है। वो आदमी अनाड़ियों की तरह गाड़ी चला रहा था। ये देखकर अनामिका कहती है, अरे ये गाड़ी तो हमारी तरफ आ रही है माँ जी। शारदा भी ये देखकर कहने लगती है, पता नहीं कौन पागल है, गाड़ी चलानी आती नहीं और चलाया जा रहा है, खुद तो मरेगा ही और हमें भी मारेगा। तभी रमेश अपनी माँ को सतर्क होने के लिए कहता है, माँ हटो रास्ते से और इन बकरियों को भी हटाओ। इसके बाद शारदा अपनी बकरियों को रास्ते से हटा देती है। वो गाड़ी उनके सामने से गुजर के सड़क के नीचे उतर जाती है और वो आदमी मदद के लिए चिल्लाने लगता है। रमेश जल्दी से उसकी मदद के लिए आगे जाता है और कहने लगता है, लाइए अपना हाथ। इसके बाद रमेश उस आदमी को सही सलामत गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। फिर वो आदमी कहने लगता है, अरे मेरी सोने की चेन कहाँ गई, ढूंढो उसे। उस आदमी की बातें सुनकर रमेश कहता है, देखिए आपकी गाड़ी पूरी तरह उल्टी हुई पड़ी है, ऐसे में मैं आपकी चेन कैसे ढूंढूं? रमेश की ऐसी बातें सुनकर वो आदमी गंभीर आवाज में कहने लगता है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं इस रियासत के राजा का एक लौता साला हूँ, राणा कुंवर प्रताप। समझे, ढूंढो चेन वरना मैं तुम्हें इस गांव से बाहर फिकवा दूंगा। उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर रमेश मन ही मन सोचता है, पता नहीं कैसा पागल है, देख रहा है कि गाड़ी किस हालत में है फिर भी चेन चाहिए इसे। अच्छा होता जो मैं इसकी मदद ही ना करता, पड़ा रहता यहीं। तभी राणा कुंवर प्रताप कहने लगते हैं, क्या मिली? रमेश भी हिचकिचाते हुए कहता है, जी नहीं। अगर नहीं मिली ना मेरी चेन तो तुम देख लेना। रमेश पूरी तरह गाड़ी देख लेता है पर उसे सोने की चेन कहीं नहीं मिलती, जिससे वो परेशान हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि वो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, क्या जरूरत थी इस पागल की मदद करने की। तभी राणा इधर उधर देखते हैं और कहने लगते हैं, वो औरत कौन है? उनकी बातें सुनकर रमेश विनम्रता से कहने लगता है, वो मेरी पत्नी और माँ है और हम बकरी पालन करते हैं। रमेश की बातें सुनके कुंवर साहब कहने लगते हैं, सुनो अगर तुम मेरी चेन नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हें मुझे एक सोने की बकरी देनी होगी। कुंवर साहब की बातें रमेश को कुछ समझ में नहीं आती है, क्या सोने की बकरी, ऐसी तो कोई बकरी नहीं होती। कुंवर साहब गुस्से में आ जाते हैं ये सुनकर और कहने लगते हैं, क्या तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, सोने की बकरी होती है और मुझे वही चाहिए, समझे। रमेश को कुछ भी समझ नहीं आता। उसके बाद रमेश अपने परिवार के साथ घर लौट जाता है। अपनी पत्नी और माँ को वो सारी बातें बताता है जो कुछ उस दिन हुआ, और उस पागल को सोने की बकरी चाहिए ये भी बताता है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद शारदा कहती है, तू इतनी क्यों चिंता कर रहा है बेटा, उसे सोने की बकरी चाहिए ना तो हम उसे दे देंगे। शारदा की बातें सुनके अनामिका हंसते हुए कहती है, उस पागल को
हम उसकी सोने की बकरी दे देंगे। ऐसा कहकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अगले दिन अनामिका और उसकी सास एक बकरी को सोने के रंग में रंग देती है और एक फेक गोल्डन बकरी तैयार कर देती है। ये देखकर रमेश कहता है, हो गया माँ? हाँ हाँ बेटा, तैयार है उस पागल की सोने की बकरी और हमारे लिए फेक सोने की बकरी। तभी अनामिका कहती है, हाँ माँ जी, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि कोई इतना ज्ञान कहाँ से ला सकता है कि सोने की बकरी जैसी कोई चीज होती है और वो इतने विश्वास के साथ कि सोने की बकरी होती है। हाँ, अगले दिन राणा कुंवर प्रताप जब अपने गांव जा रहे थे तो वो रमेश के घर आते हैं और कहने लगते हैं, कहाँ है मेरी सोने की बकरी? तभी घबराते हुए रमेश कहता है, वो मेरी बीवी और माँ उसे लेकर आ रही है अभी। इसके बाद अनामिका और शारदा उस नकली सोने की बकरी को ले आती है और राणा कुंवर प्रताप को दे देती है। राणा कुंवर प्रताप सोने की बकरी को पाकर वहां से चला जाता है और बहुत खुश होता है। इधर अनामिका और उसका पूरा परिवार उसकी बेवकूफी पर खूब हंसते हैं। शारदा अनामिका सास बहु ढाबा चलाया करती थी। वहां एक बच्चे के पिता आकर कहते हैं, आपके ढाबे के खाने की तो बात ही अलग है, एकदम घर जैसा खाना लगता है। मेरी बीवी को तो ढंग से चाय भी बनानी नहीं आती। यहाँ अपनी बेटी को लेने के बहाने कम से कम कुछ अच्छा खाना तो मिल जाता है। उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर शारदा खुश होकर कहती है, धन्यवाद, दरअसल ये मेरी बहू का कमाल है। वो दिन इस तरह खत्म हो जाता है। अगली सुबह शारदा अपने घर में कहने लगती है, हो गया तुम दोनों का खाना, तो ढाबे पर चले कुछ काम भी देख लेते हैं। दस तो तुम दोनों ने यही बजा दिया। इस तरह शारदा कहती है। फिर वो तीनों अपने ढाबे के लिए निकल जाते हैं। वहां जाके शारदा देखती है कि उनके दुकान के बगल में एक दूसरा ढाबा शुरू हो रहा है। ये देखकर शारदा आश्चर्य होकर कहती है, लो अब बस यही बचा था, अब अगर ये होटल खुल जाएगा तो सब लोग उस होटल में जाएंगे, हमारे पास तो कोई नहीं आएगा, हमारा तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। शारदा की ऐसी बातें सुनकर रमेश कहने लगता है, माँ तुम चिंता क्यों करती हो, अगर होटल खुल भी जाएगा तो ये जरूरी तो नहीं कि वो हमारा जैसा स्वादिष्ट खाना भी बना ले। शाम को सब घर लौट जाते हैं, पर अनामिका नहीं जाती। वो आज हुई बात से थोड़ी परेशान थी। वो अपने पति से कह देती है कि वो अपना काम पूरा करके थोड़ी देर बाद घर आ जाएगी। उसके बाद अनामिका मन ही मन सोचने लगती है, हे ईश्वर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा पूरा परिवार रास्ते पर आ जाएगा और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। अपना काम खत्म करके अनामिका घर वापस लौट जाती है। वहां जाके देखती है उसकी ननद कुमारी शहर से आई है। कुमारी जाके सबसे एक एक करके मिलती है और सबके लिए लाए उपहार उनके हाथों में देती है। फिर कुमारी अनामिका के पास आती है और कहती है, ये लीजिए भाभी, ये साड़ी आपके लिए, और देखिए ना ये कॉटन कैंडी मैं खास करके आपके लिए लाई हूँ, उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आएगी। कुमारी की इस तरह प्यार भरी बातें सुनकर अनामिका कहती है, हाँ हाँ जरूर, आप इतने प्यार से लाई है तो पसंद कैसे नहीं आएगी। अनामिका वो कॉटन कैंडी अपने कमरे में जाके रख देती है, ये सोचकर कि वो इसे बाद में खा लेगी। उसके बाद कुमारी वहाँ से चली जाती है। तभी वो कॉटन कैंडी कहने लगती है, तुम मुझे मत खाओ। अनामिका ये आवाज सुनकर चौंक जाती है। तभी वो कैंडी फिर से कहने लगती है, मुझसे डरो नहीं, मैं खास तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ। तुम जब रस्ते में भगवान से बातें कर रही थी, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी कि तुम कितनी परेशान हो, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आई हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर अनामिका आश्चर्य होकर कहती है, हाँ सच, तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? मैं एक जादुई कैंडी हूँ, तुम अपने ढाबे को लेकर परेशान ना हो,
कि वो चल नहीं रहा है। मेरे पास एक तरकीब है, जो भी ग्राहक वहाँ पर आए उन्हें एक खिलौना मुफ्त में दे दो। कैंडी की ऐसी बातें सुनके अनामिका कहती है, आइडिया तो अच्छा है, पर अब हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम उन्हें फ्री में कुछ भी दे दे। यहाँ तो हमें अब ऐसा लग रहा है कि हमें अपना ढाबा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि काम है ही नहीं। अनामिका की ऐसी बातें सुनके कैंडी कहने लगती है, तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम खिलौने खरीदो। मैं एक जादुई कैंडी हूँ, तुम मुझसे कोई भी खिलौना बना सकती हो। कैंडी की ऐसी बातें सुनकर अनामिका उत्साहित होकर कहने लगती है, हाँ सच में तुम सच कह रही हो ना? अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो तुम अभी कोई खिलौना बनाकर देखो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। कैंडी की ऐसी बातें सुनकर अनामिका फिर एक डॉल बनाती है। वो दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह शारदा हमेशा की तरह अपने बेटे रमेश और अनामिका से कहती है, अरे अनामिका, अरे रमेश, काम पर चलना है कि नहीं? आई माँ जी। अनामिका के साथ साथ रमेश भी कहता है, आया माँ। नीचे आते वक्त अनामिका अपने कमरे से एक बड़ी सी थैली में काफी सारे खिलौने भर के ले आती है। ये देखकर शारदा पूछती है, इस थैले में क्या है बहुरानी? माँ जी, इसमें बच्चों के लिए कुछ खिलौने हैं। अनामिका की बातें सुनके शारदा बहुत आश्चर्य होती है और पूछने लगती है, पर तुम इतने खिलौने लाई कहाँ से और कब लाई? वो माँ जी, ये खिलौने मैंने जादुई कॉटन कैंडी से बनाए हैं, जो ननद जी कल दे कर गई थी। अनामिका की ऐसी बातें सुनके शारदा बहुत आश्चर्य होती है और कहने लगती है, क्या जादुई कैंडी? हाँ माँ जी, मैंने उस कैंडी से ही ये सब खिलौने बनाए हैं। शारदा उसकी बातें सुनके बहुत खुश होती है और कहने लगती है, ये तो अच्छा है। हाँ माँ जी, और हम इन खिलौनों को बच्चों को फ्री में देंगे, जो हमारे ढाबे में खाना खाने आएंगे। इससे बच्चे भी खुश होंगे और उनके माँ बाप भी। रमेश भी अनामिका की ऐसी बातें सुनके उसकी तारीफ करते हुए कहता है, क्या बात है अनामिका, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो अब देर मत करो, चलो काम पर चलते हैं सब। फिर वो तीनों मिलके अपने ढाबे पे पहुंच जाते हैं और जल्दी से खाना तैयार करके रमेश ढाबे के बाहर पोस्टर लगा देता है कि यहाँ खाने के साथ साथ बच्चों को मुफ्त में खिलौने भी मिलेंगे। ये देखकर शारदा खुश होकर कहती है, वाह वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया, मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। तीनों इस बात से बहुत खुश होते हैं और इस तरह इस कहानी की यही समाप्ति होती है।